वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीके टी क्लब में। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले एक ये बैटरी बनाई थी जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने एक और बैटरी बनाई थी। उन दोनों वीडियो में आप सभी ने मिलकर बहुत सारे कमेंट किए थे कि भाई इसका एक चार्जर बना के दिखाओ, इसे कैसे चार्ज करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं इसी का चार्जर बना के दिखाऊंगा। अगर आपको वो देखना है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्पॉन्सर्ड बाय यूटी सोर्स। यूटी सोर्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मॉड्यूल और आपको बहुत सारे आईसी और माइक्रो कंट्रोलर इस पे मिल जाएंगे। रोबोटिक्स और ड्रोन्स से भी रिलेटेड इस वेबसाइट पर सामान अवेलेबल है। आप यहाँ से रेस्पबेरी और आर्डिनो का भी सामान परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सेंसर्स और मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे इस वेबसाइट पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एलईडी भी मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो है हमारा ये ट्रांसफार्मर। ये एक ट्रांसफार्मर है 2 एम्पियर का, 0 12 2 एम्पियर। मेरे पास ओल्ड है, आप न्यू ले सकती हैं। ये आपको 130 रुपये का मिल जाएगा। 2 एम्पियर है, 0 12 है फ्रेंड्स। इसके बाद हमको चाहिए 4 डायोड। ये आपको 3 रुपये का एक डायोड मिलेगा, मैंने पुराने ही ले लिए हैं, आप नए भी ले सकते हैं। ये 5408 के 4 डायोड हैं फ्रेंड्स। ये आपको 12 रुपये में 4 नए मिल जाएंगे। ये सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे मिलेगा। एंड उसके बाद हमें एक कैपेसिटर चाहिए फ्रेंड्स, हमें एक कैपेसिटर चाहिए। ये 25 वोल्टेज 4700 UF का है फ्रेंड्स। आप 2200 UF का भी ले सकते हैं, वो भी काम करेगा। अगर ये मिल जाए तो और अच्छी है बात है। इसके बाद हमको चाहिए एक इंडिकेटिंग के लिए एक LED, आप कोई भी कलर की ले सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद हमें इस LED के साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस की। तो फ्रेंड्स, आपको 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लेना है। मैं आपको निकाल के दिखा फ्रेंड्स, जैसा कि आप डिस्प्ले पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है। इसका कलर कोड आपके सामने है। आप कलर कोड में काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं के फोटो भेज दो, एक मेल कर दो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है। आप इसका कलर कोड देख लो, मैंने काफ़ी टाइम तक आपको दिखाई रखा है, और दोबारा देख लो फ्रेंड्स, ये इसका कलर कोड होता है 1 किलो ओम का। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सारा सामान आ चुका है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बना। तो फ्रेंड्स, वीडियो से में हमको जो ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए, ये कि ये मेरे पास प्लाईवुड का टुकड़ा है। ये आपको फ्री में मिल जाएगा किसी भी लकड़ी वाले की दुकान से। मेरे को तो उन्होंने फ्री में ही दे दिया, मेरी वो जानकारी के थे। तो फ्रेंड्स, हम इसे इस पे माउंट कर लेंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं इसी तरह की। और आपको वीडियो या क्लिप्स देखना पसंद है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम आईडी का। फ्रेंड्स, आपको दिखा दूँ, ये जो वायर हैं, ये जो रेड वायर हैं ये इनपुट के लिए हैं, और येलो वायर आउटपुट के लिए हैं। आपको उस पर मैं देखना है, ट्रांसफार्मर में यही मिलते हैं, रेड और ब्लू मिलेंगे, लेकिन रेड कलर के वायर इसमें ज़रूर मिलेंगे फ्रेंड्स। जो भी रेड कलर के वायर होते हैं वो होते हैं हमारे इनपुट के लिए, और ये जो अदर कलर या येलो या ब्लू या ग्रीन वो होते हैं आउटपुट के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो आपको ये डिस्प्ले पे शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये इसका सर्किट डायग्राम। इसमें मैंने आपको चारों डायोड लगा के दिखाए हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे समझ समझ कर आप बना सकते हैं। इसे बनाना वैसे कोई ज़्यादा कठिन काम होता नहीं है, और वैसे भी फ्रेंड्स मैं आपको हर बात समझा देता हूँ और समझाऊँगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, ये जो डायोड का वाइट कलर का साइड होता है, ये होता है हमारा पॉजिटिव। आपको वाइट मिलेगा, आपको इधर ये पॉजिटिव होता है। तो फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले हमें दो पॉजिटिव यानी दो वाइट वाइट, एक इधर और एक इधर, इनको आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ इसमें लगा के कनेक्ट कर लूँगा आपस में इस तरीके से। इसी तरह हमको एक ब्लैक ब्लैक को भी आपस में कनेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने दो वाइट, एक इधर वाइट एक इधर, आपस में दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब हम दो ब्लैक ब्लैक लेंगे, इधर भी इसका ब्लैक है और इधर भी इसका ब्लैक है, तो ब्लैक ब्लैक को हम कनेक्ट कर लेंगे।
फ्रेंड्स हमारा ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको बन के। तो फ्रेंड्स हमको इसको आपस में इस तरह कनेक्ट कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ डायोड को, ये इधर एक ब्लैक, अब जो नया वाला जो जुड़ेगा इसमें आपको एक वाइट और एक ब्लैक और एक वाइट और एक ब्लैक को आपस में जोड़ना है। फ्रेंड्स एक साइड तो मैंने कनेक्ट कर ली है, दूसरी साइड मैं कनेक्ट कर दूंगा। और फ्रेंड्स ये जो वाइट वाइट है ये होगा हमारा पॉजिटिव, और जो रेड ब्लैक ब्लैक है वो होगा हमारा नेगेटिव। तो आप इस पर पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, एक सेकंड में यहीं रोक के दिखा दूं आपको कहाँ कहाँ इसके वायर लगा लें। ठीक है फ्रेंड, तो आप पढ़ लिया फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो काम होता है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने डायोड के साथ कैपेसिटर कनेक्ट करने का। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कैपेसिटर में जिधर ये नेगेटिव बना हुआ है आप देख सकते हैं, इधर नेगेटिव है तो ये होता है कैपेसिटर का नेगेटिव, और इधर कुछ भी नहीं है ये होता है हमारा पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स हम अपने जो पॉजिटिव है उसे अपने वाइट 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 कहाँ, एक हीरा वाइट और एक इधर हीरा, तो यहाँ पर हम अपने कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेंगे। जो हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव है उसे डायोड के पॉजिटिव के साथ, और जो कैपेसिटर का नेगेटिव है जिधर नेगेटिव बना हुआ है इधर, इसे हमको ब्लैक ब्लैक के साइड कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ब्लैक और ब्लैक है, तो मतलब ये हो गया हमारा नेगेटिव। इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको हर बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अब इसके बाद हम इस पर कनेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर। फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब स्टेप कम कर देगा आपका, तो एसी तो रहेगा, तो ट्रांसफॉर्मर से भी एसी आती है। तो एसी कहाँ पे लगानी है हमें, जहाँ पे मैंने एसी बताया था एक ब्लैक और एक वाइट जहाँ पे बना हुआ है, तो एक को इसमें कोई आपको चिंता की बात नहीं है उल्टा सीधा करने की, बस ट्रांसफॉर्मर के वायर वहीं पे लगाने हैं जहाँ एक ब्लैक और एक वाइट, एक ब्लैक और एक वाइट हो। फ्रेंड्स इसके बाद हम लगाते हैं इस पर एलईडी। तो एलईडी में आप देख सकते हैं जो छोटी वाली लैग होती है वो होती है हमारी नेगेटिव, और बड़ी वाली जो होती है वो होती है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ इस 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लें, और इसको आप डायरेक्टली पॉजिटिव को कैपेसिटर के साथ और लगा सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को। अब क्योंकि इसमें ये फूकेगी नहीं क्योंकि मैंने इस पर रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो मैं आपको दिखा दूं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पे कनेक्ट करनी है। तो मैं इसे नेगेटिव और पॉजिटिव जैसा मैंने आपको दिखाया था वीडियो में सर्किट डायग्राम में उसी तरह इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा होता है ये नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड हमारी ये है, और जो ये बचा हुआ है हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव हमने इसके साथ लगा दिया एलईडी का, जो पॉजिटिव बचा हुआ है इसे हम यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है। फ्रेंड्स अब इसमें हमको केवल वायर लगाने, हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, फिर आपकी वीडियो समझ में आती नहीं है आप करते हैं कमेंट। फ्रेंड्स इसके बाद हमको ये दो आउटपुट के लिए वायर लेने, और ये वायर आपको वहीं पर लगाने हैं जहाँ कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव था इधर साइड, ये हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव था, तो हम यहाँ पे अपने पॉजिटिव को लगा लेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर डायोड और एलईडी सबका पॉजिटिव है यहाँ पे, और इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे मैं नेगेटिव वायर लगा लूँगा। ये हो गए हमारे आउटपुट के वायर। फ्रेंड्स अब इस सर्किट को हम इसे पे चिपका लेंगे। यहाँ पे आप चिपकाने के लिए ग्लू वगैरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ग्लू नहीं है मेरे पास, और हॉट ग्लू वन यूज करने में देर लगेगी, तो मैं यहाँ पे रिवर्सेबल टेप की मदद से इसे चिपका। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रिवर्सेबल टेप लगा लूँगा, और मैं इसे यहाँ पे रिवर्सेबल टेप की मदद से इसे चिपका दूंगा। और ये हो गए हमारे आउटपुट की वायर जो बैटरी के साथ हमें कनेक्ट करनी है चार्जिंग के लिए, और ये हो गए हमारे डायरेक्टली एसी के वायर, तो मैं यहाँ पे एसी का वायर लगा दूंगा। मेन लाइन एसी के वायर को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे मेन लाइन एसी आती है हमारी। फ्रेंड्स ये इस तरह। फ्रेंड्स आपको वीडियो में कोई भी कमी लगे तो जरूर कमेंट में बताना फ्रेंड्स,
और कमेंट बताना, कमेंट करना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो फ्रेंड्स पूरा सर्किट बन के कम्प्लीट है हमारा इस तरह। अब हम इसे करेंगे फाइनल टेस्ट। मैं मेन लाइन एसी के वायर प्लग इन कर रहा हूँ और यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही है ब्लैक कलर सॉरी ब्लू कलर की, और करंट आ रहा है यहाँ देखिए स्पार्क हो रहा है और हमारी बत्ती भी बंद हो जाती है एसी से। तो फ्रेंड्स पहले हम इसे मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं या नहीं। तो ये मल्टीमीटर की प्रोब्स हैं और मैं इसे पावर सप्लाई की प्रोब्स के साथ कनेक्ट करके डीसी की रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर लिया है और देखेंगे यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं हमें आउटपुट मिल रहे हैं। तो करीब यहाँ पे 14-15 वोल्टेज मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही है। वो जो वोल्टेज बढ़ रहे हैं वो इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, कैपेसिटर की वजह से। तो हम इसे अब चार्जिंग करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी वीडियो। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा स्पार्क हो रहा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी देखिए एलईडी भी मंदी तेज हो रही है, तो इसका मतलब हमारी बैटरी चार्जिंग ले रही है। फ्रेंड्स आपको लाइट बंद करके दिखा दूँ, यहाँ पे ये देखिए मंदी तेज हो रही है और हल्की हल्की स्पार्क भी कर रही है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना और बता देना इस वजह से हमने तेरी वीडियो को डिसलाइक किया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, और चैनल नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।